यूपी ग्राम पंचायत चुनाव, जानिए कब होंगे ग्राम पंचायत चुनाव। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे ग्राम पंचायत चुनाव के माध्यम से, और आपको ये भी बताएंगे कि इस समय जो ग्राम पंचायत का कार्यकाल चल रहा है वो किस तारीख को खत्म होगा। तो चलिए आपको बता दें, उससे पहले आपको बता दें कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल कर दें, जिससे कि आप देख सकें हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 25 दिसंबर को खत्म हो जाएगा, लेकिन कोरोना महामारी के चलते ग्राम पंचायत चुनाव की स्थिति साफ नहीं हुई है। चुनाव से पहले शहरी क्षेत्र में शामिल हो चुकी ग्राम पंचायतों के बाद बाकी बचे क्षेत्र का परिसीमन, वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण आदि किया जाना है। इसके लिए 2 से 3 महीने का समय लगेगा। आपको बता दें, अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने बुधवार को सभी जिला अधिकारियों को एक पत्र जारी किया था। पत्र में कहा गया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव यानी 3 लेवल पंचायत इलेक्शन के लिए वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का कार्य 1 सितंबर से शुरू करने पर आयोग विचार कर रहा है। उन्होंने पंचायतों की वोटर लिस्ट के बृहद पुनरीक्षण के लिए शुरुआती प्रबंध कराने के निर्देश दिए हैं, मगर आयोग ने उसी दिन ये पत्र वापस ले लिया। अब सितंबर और अक्टूबर में ये काम पूरा होना मुश्किल है। वहीं दूसरी ओर मौजूदा ग्राम प्रधान कोरोना महामारी के चलते पंचायत चुनाव को 6 महीने टालने की मांग कर रहे हैं। उधर पंचायती राज विभाग का भी काम पूरा नहीं हो पाया है। करीब 80 गांव ग्राम पंचायतों से कटकर नगर निगम की सीमा में शामिल हुए हैं, लेकिन अभी तक इनका परिसीमन नहीं हो पाया है। किस पंचायत में कितने गांव रहेंगे, बचे गांवों में किन पंचायतों में शामिल किया जाएगा। पंचायती राज विभाग परिसीमन पूरा ना होने की वजह से अभी तक इसका कोई भी खाका तैयार नहीं हो पाया है। पंचायतों की तस्वीर साफ ना होने से ग्रामीण इलाकों की वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण भी नहीं करवाया जा सका है। पंचायत चुनाव से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि परिसीमन का कार्य मार्च माह तक पूरा हो जाना चाहिए था, तभी ये पता चल पाएगा कि किस पंचायत से टूटकर कितने गांव दूसरी पंचायत में शामिल हुए हैं। आपको बता दें, पंचायती राज विभाग का भी काम पूरा नहीं हो पाया है। करीब 80 गांव कटकर ग्राम पंचायतों से कटकर नगर निगम की सीमा में शामिल हुए हैं, लेकिन अभी तक इनका परिसीमन नहीं हो पाया है। किस पंचायत में कितने गांव रहेंगे, बचे गांवों को किन पंचायतों में शामिल किया जाएगा। पंचायती राज विभाग परिसीमन पूरा ना होने की वजह से अभी तक इसका भी खाका तैयार नहीं हो पाया है। पंचायतों की तस्वीर साफ ना होने से ग्रामीण इलाकों की वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण भी नहीं करवाया जा सका है। आपको बता दें, परिसीमन का कार्य मार्च में ही पूरा हो जाना चाहिए था। पंचायत चुनाव के कार्यों से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि परिसीमन का कार्य मार्च माह में ही पूरा हो जाना चाहिए था, तभी ये पता चल पाएगा कि किस पंचायत से टूटकर कितने गांव दूसरी पंचायत में शामिल हुए हैं। कोविड-19 के प्रसार के चलते संबंधित विभागों के कर्मचारी बचाव कार्यों में लगाए दिए गए हैं, इसी वजह से परिसीमन का कार्य लटक गया है। अब परिसीमन पूरा होने के बाद ही पंचायत चुनाव से जुड़े कार्य शुरू हो सकेंगे। वीडियो के आखिर में आपको बता दें, पिछले पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान, सदस्य प्रधान पंचायत, क्षेत्र पंचायत चुनाव, सदस्य जिला पंचायत का चुनाव अलग अलग करवाया गया था, लेकिन इस बार चारों पदों के लिए एक साथ चुनाव करवाने की कवायद चल रही है। इसीलिए सभी पंचायतों का बेहतर तरीके से परिसीमन और वोटर लिस्ट का बृहद पुनरीक्षण आवश्यक है। पंचायत चुनाव के लिए हर साल 5वें साल ग्राम पंचायतों की वोटर लिस्ट तैयार की जाती है। इसके लिए पंचायतों में पुनरीक्षण अभियान चलाया जाता है। इसके लिए कई विभागों के कर्मचारियों की मदद ली जाती है। इसके बाद आरक्षण के आधार पर सर्वेक्षण करवाया जाता है। परिसीमन बदलेगा तो फिर से सर्वेक्षण करवाना होगा। सर्वेक्षण के बाद पंचायतों में आरक्षण के आधार पर प्रतिनिधियों की तस्वीर साफ होती है। इस कार्य में करीब 2.5 माह का समय लगता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।